नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कटिया में पार्ट डिज़ाइन में स्टिफनर का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, ये आज हम सीखने वाले हैं। आपको दिखाता हूँ दो टाइप के स्टिफनर का यूज़ है, आप कैसे कर सकते हो। ओके, पहला तो है एक ऐसा दोनों फेस फ्लैट होने चाहिए। ओके, और दूसरा टाइप है यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पहले से ही एक निकाल के रखा हूँ, एक फेस फ्लैट और एक फेस राउंडेड होना चाहिए। ओके, इस तरह की यूज स्टिफनर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम ये कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं। इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम निकालेंगे। स्टार्ट में जाइए, मैकेनिकल डिज़ाइन, यहाँ पर है पार्ट डिज़ाइन। ओके, यहाँ पर मैंने एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं एक स्केच निकालने वाला हूँ, इसको मैं ग्रीन नहीं करने वाला हूँ। ओके, फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ से मैं पैड करने वाला हूँ। यहाँ पर मिरर एक्सटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए, बीच में जो ये प्लेन है, ये प्लेन में हमें स्केच निकालना है स्टिफनर के लिए। ओके, तो ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, स्केच निकालता हूँ। देखिए, ये स्केच निकाला मैंने, इसे हम फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे। ओके, इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नहीं तो स्टिफनर नहीं होगा। ओके, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, स्मार्ट पिक का यूज कर लेता हूँ। आपको स्मार्ट पिक का मेरा लेक्चर देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीछे मैंने स्मार्ट पिक का लेक्चर लिया है, आप वो देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ओपन स्केच है, यहाँ पर है स्टिफनर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ओके, और यहाँ पर आप थिकनेस दे सकते हो। ओके, यहाँ पर न्यूट्रल फाइबर, मतलब ये सेंटर में है, यहाँ पर मैं न्यूट्रल फाइबर ऑफ करता हूँ। ये देखिए, एक साइड में आ गया। ओके, इस साइड में रिवर्स डायरेक्शन चाहिए तो इस साइड में। ओके, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया स्टिफनर। और नेक्स्ट वाला मैं अभी निकालने वाला हूँ, इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पर है पार्ट डिज़ाइन, यहाँ पर मैं एक टॉप प्लेन सेलेक्ट करके एक स्केच निकालूँगा। यहाँ पर देखिए, सेंटर में सर्कल निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि सेंटर मतलब ये प्लेन मुझे चाहिए। ओके, इसलिए मैं इसे एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीपैड का यूज़ करता हूँ। ओके, फर्स्ट है, इसको मैं 60 देता हूँ डायमेंशन, और इसे मैं 10 दे देता हूँ। ओके, इसे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मिडल प्लेन, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्केच निकालता हूँ। अब स्केच आपको कैसा निकालना है ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मैंने ये, मुझे ये एजेस चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए, ये है प्रोजेक्ट 3D एजेस है, ये निकालने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, ये रेफरेंस के लिए होती है, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट पर मैंने क्लिक किया और आगे आपको ले जाना है ये यहाँ पर। ओके, थोड़ी ही दूर, यहाँ पर मैं इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करने वाला हूँ।
ये पॉइंट और ये लाइन। ओके, यहाँ पर देखिए फिगर पूरी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गई। ये शिल आउट एजेस को मैं दोनों सिलेक्ट करके ये कंस्ट्रक्शन में डालता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एग्जिट वर्कबेंच कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये स्टिफनर लेता हूँ। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं, उसकी बढ़ाएंगे। ओके, इसका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।